वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। और ब्रेक के बाद हम जैसे वापस आए हैं तो हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल किस्म की गेस्ट हमारे साथ होंगी, आज वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन करेंगी। क्योंकि हम ये देखते हैं नाजरीन कि आजकल के दौर में केमिकल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमें क्विकली अपने चेहरे अपने हेयर का जो भी मसाइल होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, उसको सॉर्ट करने के लिए कुछ क्विक सॉल्यूशन चाहिए होता है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसके देरपा या दूरस्थ नतायज क्या होंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि आपकी जो बाल हैं और आपकी जो स्किन है वो जो एक एजिंग वाला प्रोसेस आता है उस तक भी बड़े अच्छे उस फॉर्म में रहे, अच्छी उनकी शेप रहे, जो भी आपका आपका बॉडी शेप है वो भी उस तरह से बरकरार रहे, ये बहुत जरूरी होता है। और उसके लिए हम देखते हैं कि जो नेचुरल चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं उनका इस्तेमाल जो है वही आपको इस तरह से कायम दायम रख सकता है। आपकी बालों की जो ग्रोथ है या आपके बाल, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल थोड़े थिक हो, ये अगर आप केमिकल फ्री चीजों को रखेंगे तो तभी आपके बाल जो हैं वो अच्छे और खूबसूरत और घने रहेंगे और आपकी स्किन भी तभी बरकरार रहेगी। क्योंकि जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वैसे ही किसी ओवरऑल सिचुएशन में जब जाते हैं, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि आप फलों का, फ्रूट्स का और ये सब्जियों का और जूसेस का इस्तेमाल करें। अगेन वही चीज़ आ जाती है, ये सब वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की जानिब से हमें भेजी गई हैं, जो हम ज़मीन में उगाते हैं। इसी तरह हर्ब्स ऐसी चीज़ें हैं, जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी हुई है। हमारे बहुत सारे मसाइल अगर हम इन पर थोड़ा सा काम करना शुरू करें और इनका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो आप देखिए कि आपकी फिटनेस और आपकी जो जिस्मानी सेहत है वो आपके चेहरे पे भी नजर आएगी और ओवरऑल बहुत अच्छे दिखेंगे। हमारे साथ हर्बलिस्ट मौजूद है हुमैरा नाज, उनके साथ आज बात का आगाज करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस किस चीज़ को कैसे ट्रीट कर रही हैं। क्योंकि उन्होंने, जैसे हम लोगों ने ब्रेक में उनसे बात की, वो ब्यूटिशियन भी हैं, तो यानी वो हमारी खूबसूरती का भी ख्याल रखती हैं। हुमैरा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग हुमैरा। गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा हुमैरा, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप अपना तारुफ करवा लें कि आप हर्बलिस्ट तो हैं, कैसे आप सर्व कर रही हैं एज अ हर्बलिस्ट और ब्यूटिशियन, और कहाँ पर आपकी आउटलेट या आपका जो सैलून है, कैसे ट्रीटमेंट दे रही हैं आप वहाँ पर? बेसिकली आमना, मेरा ताल्लुक जो है, पहले मैं यहाँ नहीं थी, मैं यूएई में, मेरी जो एक्सपर्टीज है वो सारी मैं यूएई में रहती थी, वहां से मैंने अपनी ये सारी डिग्रीज कंप्लीट की हैं, हर्बल की भी एंड जो है एक्सपर्टीज और जो ब्यूटिशियन की है, ये दोनों मेरा सलोन बेसिकली और जो मेरी एक्सपर्टीज जो थी वो सब दुबई से रिलेटेड थी। 2006 यहाँ पर आई तो लोगों की, क्योंकि उस दौर में हर्बल की तरफ तवज्जा बहुत कम लोगों को थी, तो उस स्टार्ट किया कि हम क्यों ना ऐसे लोगों की खिदमत करें, क्योंकि हमें रिजल्ट बेस्ड चीजें चाहिए थी। यहाँ पर आपको पता है इतना दो नंबर काम हो रहा होता है। एक तो लोग, मैंने अभी आपसे जैसे ऑफर बोला था कि मैं गोरेपन को प्रमोट नहीं करती हूँ। अच्छा। लेकिन बेसिकली अल्लाह ताला ने हमें जिस नेचर से, जिस तरह का बना दिया है ना, हमें उसी में रहते हुए अपने आप को खूबसूरती में ढालना है। हाँ। हम उसके अगर चेंजेस की तरफ जाएंगे, चाहे वो किसी, देखें चेंजेस तो अननेचुरल प्रोसेस ही होते हैं, जितनी भी आपने देखे होंगे, अननेचुरल प्रोसेस भी चले जाएं उसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो बहुत पढ़ने और सोचने के बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि लोगों की एक प्रॉब्लम्स है उनको हल करूं। मेरी हद तो इम्कान कोशिश होती है कि क्योंकि मैं स्किन, बालों से और ओबेसिटी से रिलेटेड सारे वर्कआउट करती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि उनको रिजल्ट मिले। और जितने प्रोडक्ट्स मैं लेकर आई हूँ, सबसे पहले मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हूँ, वो मेरे एक टेस्टिंग, उसको वो टेस्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि जो मेरे लिए चीज सही है वो दूसरों तक मैं पहुंचाऊं। फिर उसके बाद एक उसकी जो होती है ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे पास सर्टिफिकेशन है हमारे प्रोडक्ट्स की, तो वो सर्टिफिकेट हम लोग लेते हैं, प्रोवाइड किया जाता है हमें, एक लैब है PCSIR, हम सारे प्रोडक्ट उधर से ऑथेंटिक, हमारे पास रजिस्टर्ड जो है वो है हमारे पास, उनकी रिपोर्ट्स हैं। तो फिर उसके बाद ये होता है कि अब मुझे काम करते हुए 2006 से आई थिंक मेरे ख्याल से 16-17 ईयर्स हो गए हैं। तो इन में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नेगेटिव रिस्पांस तो कहीं से भी नहीं मिला, और मेरी कोशिश होती है कि मैं तो जो है सेटिस्फाई करूं, मैं अपनी बातों से भी सेटिस्फाई करती हूं एंड देन प्रोडक्ट से भी करती हूं, और जिससे थोड़ा, जैसे अब हम जैसे मास बेसिस पे जब काम करते हैं ना, तो हम लोगों की प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं कि आजकल का दौर इतना, कोई जाहिर है किसी के पास, देखें आज मेरे ख्याल से कराची में कह लें या पूरे पाकिस्तान में कह लें, एस्थेटिक्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं, और सारे हम देख रहे हैं लेजर्स का बहुत ज्यादा इससे मालूम में हो रहा है, यानी शुआएं हैं, और हम ये नहीं देखते कि इसके आउटकम्स
हो सकता है कि मतलब आपको टेम्परेरीली बहुत चीजें बेहतर लग रही हो, लेकिन आगे जाके उसके बहुत खतरनाक नतीजे भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि ये हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता आजकल, बहुत महंगे तरीन ट्रीटमेंट्स है, राइट। बिल्कुल ये वाले ट्रीटमेंट्स जो हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं, और फिर उसके बाद ये है कि इनकी मेंटेनेंस लाजमी होती है। अब हम जो ट्रीटमेंट्स देते हैं ना उसमें आपको बहुत हद तक लॉन्ग टाइम तक मेंटेनेंस नहीं होती है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए जी डर्ट आती है तो उसको साफ भी करना जरूरी होता है। तो बहुत हद तक हम ये कहते हैं कि आपकी पिगमेंट हो गई, आपका वेट हो गया जो बढ़ रहा होता है, आपके बाल गिर रहे होते हैं, तो उसको हम बहुत हद तक कंट्रोल कर देते हैं। फिर उसके बाद आप कभी कभी अप्लाई कर दिया करें, एक ट्रीटमेंट को ट्रीटमेंट की हद तक करें, उसके बाद फिर उसको बहुत ज्यादा यूज टू किसी भी प्रोडक्ट को ना करें। हम अपने क्या किसी भी प्रोडक्ट को कहते हैं कि आप उसको अपना आदि ना बनाएं, ताकि आप उसको फिर उसके साथ हम एक डाइट प्लान भी देते हैं कि जाहिर सी बात है कि मैं जब कोई ट्रीटमेंट देती हूँ तो ये आपका सिर्फ अपर लेयर को ठीक करना नहीं होता है, आपने इंटरनली भी अपने आप को ठीक करना होता है, ताकि आपकी वो ग़िज़ाएं जो आप खा रहे हैं वो प्रॉपर आपके ब्लड में जाके ब्लड साफ करे, आपकी बॉडी में लगे, और उससे फिर आपकी बॉडी में इनहेंसिंग शुरू हो जाए, चाहे वो आपके पिगमेंटेशन हो, एक्नी हो आपके। तो देखिए ये सब खूबसूरती की अलामत नहीं होती है, जब आपका फेस क्लियर होगा तो आप ऑब्वियसली खूबसूरत खुद ब खुद लगना शुरू हो जाएंगे। और कलर को कभी भी प्रमोट ना करें, आपको अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है सामने वाले को देख के अपने आप को जज ना कीजिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शीशा जो है ना, आईना जो होता है, वो आप सामने देखिए और अपने आप को खुद जज कीजिए। बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, आपकी स्किन जो है वो आपको लगनी चाहिए कि फ्रेश लग रही है, तरोताजा होनी चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि आपका बस रंग गोरा हो लेकिन उस पे आपके चेहरे पे बहुत सारे निशान या छाइयां नुमाया हो। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी क्रीम्स ऐसी आती हैं वो वक्ती तौर पे आपका रंग तो गोरा कर देती है लेकिन आपकी स्किन का बेड़ा गर्क कर देती है, वो आपकी लेयर नजर आती है रंग से उतरी हुई। तो ये आपकी स्किन फ्रेश होना बहुत जरूरी है, अगर आपकी स्किन तरोताजा होगी, चमकदार होगी, तो वो वैसे आप खूबसूरत नजर आएंगे। नहीं हुमैरा, बिल्कुल नजर आएंगे। सबसे बड़ी आम चीज ये है कि हम पानी का इंटेक जितना करेंगे, अल्लाह ताला ने एक कुदरती नेमत हमें इतनी अच्छी दी हुई है कि हम पानी एक जितना करेंगे बॉडी डिटॉक्स करेगी। अच्छा, वैसे कम से कम डिटॉक्स ए एक ग्लास ऑफ वाटर। अब कुछ लोग कहते हैं, इन्होंने कोई कंपनी आई थी पानी की, उन्होंने प्रमोट करने के लिए ये एक स्लोगन बनाया था। वैसे कम से कम कितने ग्लास पानी हमें दिन में पीना चाहिए? 8 से 10 ग्लास इज नॉर्मल, ठीक है ना। 8 से 10 ग्लास पानी आपने पीना, और एक बॉटल अपने साथ बना के रख लें कि हम, क्योंकि पानी याद नहीं रहता किसी को भी पीना, तो वो बॉटल अपने साथ रखें, खाली होगी तो आपको याद आ जाएगा कि जी आज पानी नहीं, मैंने इतना पानी पिया है या मुझे इतना पानी पीना है, वो आपको याद रहेगा पानी पीना। पानी पिए, सबसे बड़ी डिटॉक्सिफिकेशन इससे होती है। और दूसरी चीज ये है कि जब गर्मियों का सीजन आता है उसमें लेमोनेट का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, विटामिन सी से भरपूर होता है। आपकी स्किन जो डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है बॉडी के साथ साथ, वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है विटामिन सी। सही। और सबसे अच्छा तो मैं तो हमेशा जितनी भी चीजें मैं अपने जितने भी मॉर्निंग शोज में चीजें बताती हूँ, मैं वो चीजें बताती हूँ जो आपके किचन में मौजूद होती है, हमारी दादी से होते हैं, तो वो इजी टू अप्रोच भी होते हैं बहुत ज्यादा। कभी कभी देखें हम ऐसी हर्ब्स टीवी पे मैं बताते हुए थोड़ा सा एहतियात बरतती हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो मैंने बोली है वही चीज आपके हाथ में आ रही है। सही। आप प्रसाद पास जाते हैं, वो आपको कोई ना कोई उसका अल्टरनेट चीज आपको दे देगा, और वो फिर चेहरा सही होने के बजाय और खराबी की तरफ चला जाता है। ठीक। अच्छा, मेरा हम क्विकली चलते हैं ट्रीटमेंट्स की जाने। अब मैं चाहती हूँ कि आप हमें कुछ, हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं ना, उनको ऐसे टिप्स दें जिनसे हमारे जो मसाइल हैं, एक बुनियादी मसाइल हैं, मतलब खास तौर पे हम देखते हैं आजकल खवातीन, मर्द हो या चाहे छोटे बच्चे हो, सबके ही हम दिखाते हैं कि शायद मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल है या रात देर तक जागने की आदत है। कुछ लोग अपनी नींद पूरी भी करते हैं, जैसे आई एम वन ऑफ देम, कि मैं अपनी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी जरूर करती हूँ, लेकिन स्टिल आई हैव दैट डार्क सर्कल्स। तो मुझे ये बताएं कि जो डार्क सर्कल्स है इनका हल कैसे निकाला जा सकता है, ये हर्ब्स के साथ क्या इस्तेमाल करें? देखिए हाँ, ना डार्क सर्कल्स जो होते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि नींद एक वजह जरूर है, लेकिन कभी कभी आपकी ब्लड की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं डार्क सर्कल्स। कभी कभी आप यूवी रेज में बहुत ज्यादा होते हैं तो आपको पैचेज आना शुरू हो जाते हैं, और कभी आपके कोई ना कोई, देखें इंटरनल कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम होता है, या तो हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, या आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है, आपका जिगर का कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। ये मेन कॉजेज हैं आजकल जो लोगों के अंदर हैं। किसी को लिवर का फंक्शन फास्ट नहीं हो रहा, लिवर की प्रॉब्लम 70% I have stomach issues, by the way.
मुझे अब से नहीं है, बहुत पहले से है, सो आई गेस ये एक वजह हो सकती है। जी अच्छा, तो मैं यही कह रही हूँ ना, देखिए इंटरनल बॉडी को ठीक करने के लिए, अब मैंने एक अपनी एक मेडिसिन बनाई थी, मुझे नहीं पता कि वो मुझसे कैसे बन गई, वो अल्लाह की कुदरत ऐसी थी कि वो, उसको मैंने एक्नी के लिए यहाँ पर अनाउंस किया, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें मैंने मुझसे डल गई कि वो आपके पूरी बॉडी के लिए, आपकी अगर 80% प्रॉब्लम है तो वो रिजोल्व हो जाए। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी, क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरर भी हूँ और फॉर्मुलेशन भी हमारी अपनी होती है। अच्छा। तो हम दोनों चीजें साथ लेके, इसीलिए मैं मुतमईन रहती हूँ, मैं कहीं से कोई चीज मंगवाती नहीं हूँ कि बाहर की आ रही है तो मैं उसको प्रमोट कर रही हूँ, मैं वो चीजें आती हूँ जिससे मैं खुद मुतमईन हूँ, तो मैं कोई दूसरी चीज को प्रमोट तो नहीं हमारे करती। किचन से हम ऐसा क्या इस्तेमाल करें कि हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो उसका इस्तेमाल आज से शुरू कर दें और उनकी जो डार्क सर्कल्स हैं वो तो कम होना शुरू हो। करती हूँ, बताती हूँ कि मैंने एक वो होता है आपका जो है अलसी आती है, अलसी ठीक के बीज होते हैं, अच्छा तो हम खाने में भी यूज कर सकते हैं, आटे में मैं डाल के पिसवा लेती हूँ। आप अलसी का जेल उबाल लीजिए, यानी अगर आपने 1 कप पानी लिया है, 2 चम्मच अलसी फ्लेक्स के सीड डाल के ना, आप फ्लेक्स उसको, सीड की जी बात कर रहे हो। अच्छा। मैं फ्लेक्स सीड से, उसको आप कर लेना है 2 चमचे डाल के, वो थोड़ा सा जेल सा बन जी जाएगा, जी उसको जी छान, जेल आप फ्रिज में रख दीजिए, 3-4 दिन चल जाता है, मैं तो इस तरह करती हूँ। फिर आपने एक वॉश बेसन, जहां आप मुंह धोने जाते हैं, आप वॉश बेसन पे जाते हैं, हमेशा याद रहती चीज, क्योंकि फेस वॉश भी वहीं रखा होता है, बेसन किसी भी बॉटल में डाल के आप वहां रख दीजिए, उस बेसन में आपने डालनी है थोड़ी सी कॉफी, यानी अगर आपने 4 चम्मच बेसन लिया है तो उसके अंदर 2 चम्मच आपने कॉफी ऐड करनी है, और पिंच आप हल्दी ऐड कर लीजिए, उस बेसन को मिक्स करके आपने बॉटल में रख देना है, जब भी आप यूज करें उस अलसी के जेल को उस बेसन में मिक्स करके आप अच्छी तरह फेस वॉश कीजिए, आप देखिए आपको ग्लो भी करेगा, आपके रिंकल्स भी नहीं आएंगे, आपके स्कार्स भी चले जाएंगे इससे, तो ये बहुत जबरदस्त। अच्छा पिगमेंट, ये आप बना के रख लीजिए वॉश बेसन के सामने शीशे पर, आपको हमेशा याद रहेगा, और सिर्फ 2 टाइम लगाना है, यानी सुबह और रात को सोने से पहले। ठीक है, सुबह और रात सोने से पहले। अच्छा, मेरा एक और चीज़ जो हम बात करने लगे थे वो यही कि आपका जो चेहरे में हम देखते हैं कि आजकल लोगों की बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हमें दिखाई देती है, ये जो आपने अभी फॉर्मूला बताया है, ये जैसे अब डार्क सर्कल्स है, ये भी एक पिगमेंटेशन की टाइप है, तो ये वहां पे भी अप्लाई हो सकता है। बिल्कुल अप्लाई हो सकता है। अच्छा, जब हम थोड़ा सा मसाज करते हैं ना, तो मसाज ड्राई करके नहीं करते हैं, थोड़ा सा आपने हाथ को वेट कीजिए, और मेरी हमारी जो लास्ट सेकंड लास्ट फिंगर्स होती है ना, ये इसके अंदर स्कार्स खत्म करने की एबिलिटी मौजूद है, हमारी हीट्स होती है फिंगर में जो आपकी फेस के लिए होती है, तो ये वाली फिंगर जो है वो स्कार्स के लिए होती है, तो जब भी आप मसाज करें सबसे पहले तो आपने अपवर्ड मूवमेंट में मसाज करना है जितनी देर भी करना है, फिर उसके बाद राउंड मूवमेंट, और जहां डार्क पैचेस हैं वहां आपने ऐसे 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 डार्क सर्कल्स पे आपने अप्लाई इस तरह फिंगर्स से करना है, और थोड़ी देर 1 या 2 मिनट के बाद पानी से वॉश कर लीजिए, आप देखिए आप स्किन आप इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, बेबी स्किन महसूस होगी, आज से ही ये स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, नेक्स्ट आप मुझे खुद बताएंगी कि आपकी स्किन क्या और ये कितने दिन, कैसी। हफ्ते, पूरा हफ्ता इस्तेमाल कर रहे हैं या हफ्ते में कुछ दिन? फेस वॉश की जगह आप ये इस्तेमाल करना शुरू कर दें, अच्छा, यानी दिन में जितनी बार भी हम फेस वॉश करते हैं आपको उसकी जगह हम ये इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो फेस वॉश के अंदर ऑब्वियसली केमिकल कहीं ना कहीं तो है, उसके अंदर कास्टिक होता है, राइट, तो कहीं ना कहीं हम जब फेस ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारी स्किन के नीचे जो सीबम है वो सीबम खत्म होना शुरू हो जाता है, सीबम को जब खत्म होगा तो ऑब्वियसली रिंकल्स आते हैं, तो ड्राइनेस भी महसूस होती है, उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगता है फेस, लेकिन थोड़े दिन के बाद रिंकल्स आना शुरू हो जाता है। तो ये तो जो हम महंगे महंगे फेस वॉश देखते हैं हुमैरा, उसमें तो हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी हर्ब्स के नाम लिखे होते हैं जो हमें लगता है कि इसमें ये चीजें होंगी, ऑब्वियसली इतना महंगा प्रोडक्ट है तो कहीं ना कहीं ये कारगर साबित होगा। ये सब मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, फेस वॉश देखें जितना मैं, जब मेरे पास बहुत से लोग शैम्पू में पूछते हैं जी शैम्पू की क्वालिटी आपकी क्या है, ये क्या बाल ग्रो करेगी क्या करेगा, तो मैं उनसे कहती हूँ कितनी देर लगता है शैम्पू आपके फेस पे, 1 मिनट या 2 मिनट, वो कैसे आपके बाल ग्रो करेगा? हाँ। बिल्कुल नहीं कर सकता, केमिकल जितनी भी चीजें है ना वो थोड़ी सी टाइम के लिए, आप फेस ये आपकी डर्ट डेफिनेटली, आप सही बात करी है कि जो केमिकल्स का इस्तेमाल है डेफिनेटली वो जिस तरह से अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने सारी चीजें डाली होती हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर्बल्स जो उन्होंने इसमें मेंशन की हुई है वो सारी उसमें मौजूद होंगी, हर्ब्स जो हैं,
तो जनाब हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सारे हमारे पास और भी टिप्स हमारा हमसे शेयर करेंगी, स्टे विद अस।